कलवे सादी साहब क़िबला से कि वो आकर हमको अपने हकीमाना जुमलों से शरफियाब करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़की बाकरी साहब का दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। कुरान ने दो ही मौसम बताए हैं, लईलाफ़े कुरैशीन ईलाफ़े रहलत शिताए व सैफ, जाड़ा और गर्मी। ये जाड़े में भी आ चुके, गर्मी में भी आ गए। जब किसी इंसान के दिल में तड़प होती है तो फिर यही सूरत होती है। मैं मौलाना की खिदमत में बहुत अदब और एहतराम से ये अर्ज करूंगा, आप माशाल्लाह खुद तजुर्बेकार हैं, पूरी दुनिया में देखते रहते हैं। इस वक्त लोग चेंज चाह रहे हैं, तब्दीली चाह रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग अ चेंज। मैं कभी किसी पर तनकीद नहीं करता, बस मैंने इतना अर्ज कर दिया कि लोग अब सॉलिड बातों को सुनना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि रसूल की हदीस है कि इन्ना कलील अल अमल माल इल्म यनफो व इन्ना कसीर अल अमल माल जहल ला यनफो। थोड़ा सा भी काम अगर इल्म के साथ हो, नॉलेज के साथ हो, तो वो फायदा पहुंचाता है, और बहुत काम हो, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो, मगर मारिफत के साथ ना हो, इल्म के साथ ना हो, तो वो फायदा नहीं पहुंचाता है। हमारे यहाँ पोजिशन बिल्कुल उल्टी हो गई है, हम क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पर जोर देते हैं। ये बहुत ही हसास टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। जो रसूल की हदीस है वो ये है कि इस्लाम में क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। और क्वालिटी उस वक्त पैदा होती है जब इंसान के पास ज्ञान हो, जब इंसान के पास इल्म हो, जब इंसान के पास मारिफत हो। आज का मौजू है क्या है? पाथ टू सक्सेस। बहुत अच्छा मौजू है। मौलाना से इंशाल्लाह आप बहुत तफसील से समाप्त फरमाएंगे, मैं आपको वक्त लेना नहीं चाहता, मैं तो बकबक करता ही रहता हूं। पाथ टू सक्सेस एक है। बेटा तुम तमाई बच्ची हो ना, कहां से आई हो? यूनिटी हो ना। हाँ देखो बेटा, याद रखो, बच्चे जो बैठे हैं वो भी याद रखें कि सक्सेस हमेशा एक्सीलेंस के साथ चलती है। तुम किसी भी फील्ड में एक्सेल करोगे, सक्सेस तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम सक्सेस को ढकेल के पीछे भगाओ जो भी, कम तुमको नहीं चाहते हैं, मगर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। समझ गया बेटा? इसलिए जो भी काम करो उस पर टॉप पर जाने की कोशिश करो। तुम मुझे बता दो कोई भी शख्स किसी शय में टॉप करता हो, एक्सेल करता हो और उसकी कदर न की हो। एम एफ हुसैन का नाम तुम बच्चियों ने सुना होगा, हिंदुस्तान की बदकिस्मती कि उसने कदर नहीं की, लेकिन उसके पास एक्सेलेंस था। नतीजा क्या होगा? कदर ने उसको अपनी यूनिवर्सिटी दे दी और न मालूम कितने करोड़ डॉलर का उसको प्रोजेक्ट दे दिया कि वो वहां पर बैठा हुआ वहां पेंटिंग्स वगैरह जो है वो बना रहा है। एक मिसाल थोड़ी है। खुराना यहाँ का साइंसदान था, यहाँ उसकी कदर नहीं हुई, अमेरिका ने उसको बुला लिया, अमेरिका ने नेशनल दे दी। यही मैं कहता हूँ, जो लोगों की समझ में नहीं आता, लोग रिजर्वेशन के पीछे पड़े हैं, मैं एक्सेलेंस के पीछे पड़ा हूं। रिजर्वेशन आदमी मांगता है, एक्सेलेंस होगा तो कामयाबी और सक्सेस तुम्हारे पीछे पीछे खुद हाथ जोड़े जाएगी। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ, उनके बहुत 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 शुक्रिया के साथ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सबकी रहनुमाई करें। और देखो बेटा, यहाँ जो तुम लोग आए हो और आप हजार जो तशरीफ फरमा हैं, जरा इसको ये इन कानों से न सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, और जो कुछ मौलाना बताएं उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। सवालात कीजिए, जरूर सवालात कीजिए। मजलिसों में भी सवालात होना चाहिए, लेकिन मजलिसों के दरमियान में नहीं, वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन मजलिसों के बाद आप जरूर सवाल करें, और स्टडी के बाद सवाल करें, और पूरी तैयारी के बाद सवाल करें। इसमें बहुत मसलहतें हैं। जब आप सवालात करेंगे तभी मजलिसों का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा, और अगर सवालात आप नहीं करेंगे तो जो बातें आप सुन रहे हैं वही सुनते रहेंगे,
और इसी तरह से हम और आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मैं पूरी दुनिया देखता हूँ, जैसे मौलाना का सफर तो माशाल्लाह मुझसे भी ज्यादा है। इस वक्त लोग चेंज चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, सॉलिड चीजें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और मौलाना की शख्सियत ऐसी है इल्म अमल के एतबार से कि इनको यकीनन हक हासिल है कि हमको नसीहत करें और कामयाबी का रास्ता बताएं इंशाअल्लाह। ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الداعم على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى। सबसे पहले मैं हमारे बुजुर्ग और सरपरस्त जिनकी रहनुमाई से दुनिया मुस्तफीद हो रही है, जिनकी शफकत से हम भी महरूम नहीं हैं, डॉक्टर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये स्टेज जो है, आसान स्टेज नहीं है कि वो एक ऐसे जाहिल के हवाले किया जो कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तजुर्बा जो हासिल हुआ है उसको शेयर करना है। इल्म एक अलग ही चीज़ है, और इल्म के साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बेहतरीन हदीस सुनाई, थोड़ा सा इल्म और ज़्यादा अक्ल तजुर्बा कारामत साबित होता है। मैं बच्चों से ख्वाहिश करूँगा सबके पास पेन और पेपर्स होंगे इंशाअल्लाह, और हत्ता बुजुर्ग भी अगर मुमकिन हो तो जरा सा पेन और पेपर ले लीजिए। कुरान की जिस आयत की तिलावत का शरफ हमने हासिल किया है, उसमें कुरान मजीद ने इंसानियत की रहनुमाई की है, और ये यूनिवर्सैलिटी को हम लोग उमूमन भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि कुरान मुसलमानों की किताब है। कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कुरान इंसानियत की किताब है। ये हमको बिल्कुल ऑल्टर करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अपने वे ऑफ थिंकिंग को। तो पहला जुमला लिखिए, कुरान किताब हिदायत इंसानी है, ए बुक ऑफ गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। उसमें कुरान मजीद ने यह कहा है कि इंसान कुछ नहीं है मगर कोशिश। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा एक्सेलेंस, बहुत से लोग कुछ और चाहते हैं मगर आप एक्सेलेंस लाइए खुद ब खुद। कितने लोग जो तरक्की किए हैं उनकी हयात को देखें, तो उन्होंने जो तरक्की की है वो दौलत के जरिए से नहीं है, अपने एक्सेलेंस के ही जरिए से की।